और अब हिंदुस्तान आउटलुक की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली में हैं। राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में 5 लोगों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति आज जिन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं उनमें से 2 राजनीतिक क्षेत्र और 3 अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज दिल्ली में हैं। वो आज बतौर सभापति राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। आज अमित शाह कर्नाटक में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, विधानसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दिल्ली में हैं। सोनिया गांधी की सेहत अब ठीक है, वो आज लोकसभा जाएंगी और लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होंगी। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली में हैं। राहुल गांधी आज संसद जाएंगे और लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल आज दिल्ली में हैं। अहमद पटेल आज राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। शाम 7 बजे अहमद पटेल अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद आज दिल्ली में हैं। गुलाम नबी आजाद आज सुबह संसद जाएंगे, राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। और अब आपको बताते हैं कि आज आपके केंद्रीय मंत्रियों का क्या कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में हैं। राजनाथ सिंह आज संसद जाएंगे और लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज दिल्ली में हैं। अरुण जेटली आज ISAS के बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली में हैं। नितिन गडकरी आज संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। नितिन गडकरी आज मंत्रालय जाएंगे और जरूरी कामकाज भी निपटाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज दिल्ली में हैं। धर्मेंद्र सौभाग्यम योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आज दिल्ली में हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर आज संसद जाएंगे और संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा आज दिल्ली में हैं। जयंत सिन्हा आज संसद जाएंगे और संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा आज दिल्ली में हैं। मनोज सिन्हा आज दिल्ली में हैं। मनोज सिन्हा आज संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी 2 दिन से दिल्ली में हैं। पीपी चौधरी आज संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज दिल्ली में हैं। अर्जुन मेघवाल आज केंद्रीय भू जल बोर्ड की तरफ से आयोजित 8वें राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं के सम्मान में समारोह में शामिल होंगे। अर्जुन मेघवाल आज मंत्रालय जाएंगे और जरूरी कामकाज भी निपटाएंगे। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी आज दिल्ली में है। सीआर चौधरी आज संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जयपुर के दौरे पर हैं। गजेंद्र शेखावत आज जयपुर में आरएसएस के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज दिल्ली में हैं। सुषमा स्वराज आज संसद की कार्यवाही में शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज दिल्ली में हैं। पीयूष गोयल आज संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज दिल्ली में हैं। रविशंकर प्रसाद आज संसद जाएंगे और संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह आज दिल्ली में हैं। राधा मोहन सिंह आज संसद जाएंगे और संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। राधा मोहन सिंह आज संसद की कार्यवाही खत्म होने के बाद मंत्रालय जाएंगे। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। महेश शर्मा पोरबंदर में माधवपुर मेले में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार आज दिल्ली में हैं। अनंत कुमार आज संसद जाएंगे और संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आज दिल्ली में हैं। आरके सिंह आज संसद जाएंगे और संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज दिल्ली में हैं। अश्विनी चौबे आज संसद जाएंगे और संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। इसके बाद अश्विनी चौबे मंत्रालय जाएंगे और मंत्रालय का कामकाज निपटाएंगे।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आज दिल्ली में हैं। रामविलास पासवान आज संसद जाएंगे और संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे। उसके बाद रामविलास पासवान मंत्रालय जाएंगे और जरूरी कामकाज निपटाएंगे। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव आज दिल्ली में हैं। रामकृपाल यादव आज संसद जाएंगे और संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज दिल्ली में हैं। मुख्तार अब्बास नकवी आज संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे। और अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज आपके मुख्यमंत्री क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हैं। सीएम आज लखनऊ में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। आज सीएम कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में हैं। सीएम आज रायपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम रायपुर में आम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। शाम 5 बजे सीएम पुलिस लाइन में आईटीबीपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में हैं। सीएम आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक करेंगे। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज गरियाबंद और महासमुंद जिले के दौरे पर हैं। सीएम आज गरियाबंद और महासमुंद में लोक सुराज अभियान में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में हैं। सीएम आज कैबिनेट की बैठक करेंगे। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज रांची में हैं। सीएम आज रांची के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे। यहां सीएम आम लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक आज भुवनेश्वर में हैं। सीएम आज भुवनेश्वर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में हैं। सीएम आज मंत्रालय जाएंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में हैं। सीएम आज शिमला में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ में हैं। सीएम आज विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मुंबई में हैं। सीएम आज सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से 3 दिन के श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। सीएम आज सूरतगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी आज पोरबंदर के दौरे पर हैं। सीएम आज पोरबंदर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में हैं। एनडीए के खिलाफ फेडरल फ्रंट बनाने में जुटी ममता बनर्जी आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर बीमारी का इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों ने मनोहर पर्रिकर को आराम करने की सलाह दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज चिकमलपुर के दौरे पर हैं। सीएम आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर में हैं। महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी।